नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीएम मदनलाल शर्मा ने आज दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम मदनलाल पहले से तय प्री बजट बैठक को स्थगित करके दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि सीएम मदनलाल ने बैठक में पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को लेकर फीडबैक भी दिया है। प्रदेश की आगामी बजट और योजनाओं को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम मदनलाल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन वहां दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। ऐसे में आज सीएम मदनलाल और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी और सहप्रभारियों की नियुक्तियां की कर दी गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी, अश्विनी वैष्णव को सहप्रभारी बनाया गया है। वहीं पर हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी तो विप्लव कुमार देव सहप्रभारी बनाए गए हैं। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान प्रभारी बने हैं तो डॉक्टर हिम्मत विश्वास शर्मा सहप्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में जी किशन रेड्डी को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है। खबर झालावाड़ से है। यहाँ के ईदगाह परिसर में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ईद की नमाज ईदगाह पर सुबह 8:15 पर मौलाना अब्दुल मनान ने अदा करवाई। ईदगाह ईद की नमाज अदा के बाद राज परिवार की ओर से शहर काजी की दस्तारबंदी भी की गई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए चार पहिया वाहन मामू भांजे से दुर्गपुर रोड और दो पहिया वाहन मोती कुआ स्कूल होते हुए ईदगाह पहुंचे। ईदगाह के बाहर मौजूद सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयाँ दी और त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान ईदगाह कमेटी की ओर से पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियों का साफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इन दिनों चुरू से कांग्रेस सांसद राहुल कस्वा का काफी काके की खास मेट दी वाला बयान जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर राजेंद्र राठौर को ट्रोल भी कर रहे हैं। इसी को लेकर अब राजेंद्र राठौर के समर्थन में प्रगतिशील सत्य महासभा भी मैदान में आ चुकी है। महासभा ने अभी तक प्रदेश के चुरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में प्रेस वार्ता कर इसे निंदनीय बताया है। महासभा के अनुसार राठौर सर्व समाज के नेता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व राठौर की बढ़ती लोकप्रियता से राठौर के विरोधी हताश भी हो गए हैं, इसलिए अब राठौर की लोकप्रियता को खत्म करने के मानस से वे सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाकर बदनाम कर रहे हैं। सोमवार को महासभा द्वारा जयपुर में भी प्रेस नोट जारी कर इसकी निंदा की गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह करीब 9 एक मालगाड़ी ट्रेन ने सवारी गाड़ी नंबर 1174 कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अब तक 15 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं जबकि 60 लोगों के घायल होने की सूचना है। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास हुई धसा में रेड सिग्नल की वजह से रुकी थी। इस दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में लोको बैलर की मौत की भी खबर है। आशंका है कि मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल को अनदेखा किया है, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का डब्बा हवा में अटक गया। अन्य दो डब्बे भी बेपटरी हो गए थे। नागौर से नव निर्वाचित सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने खीव से विधायक पद से इस्तीफा देने से पहले बड़ा गेम खेल दिया है। उन्होंने विधायक कोष से एक ही दिन में 5 करोड़ रुपए का खर्च कर दिए हैं। इनके लिए उन्होंने विकास कार्यों की अनुशंसा भी कर दी है। ऐसे में उपचुनाव के बाद नए विधायक को काफी विधायकी तो नसीब होगी, लेकिन बजट के मामले में उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक बार फिर से राजस्थान के सिखावटी की राजनीति में हलचल है। इस बार इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड्डा है। वह झुंझुनू में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस बार वो एक बार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं। वह शिवसेना के टिकट पर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पीएम मोदी की मंत्रिमंडल की टीम में शामिल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी संसद में राहुल गांधी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जयपुर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे भागीरथ चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राहुल गांधी पर दमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव के समय उनके लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती बोलते हुए राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार बनने के बावजूद किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ। खबर अब मौसम विभाग से है। इन दिनों राजस्थान के विभिन्न जिलों में पारा उछाल पर है। बीते 5 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को प्रदेश के 3 जिलों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने की संभावना है। इसी बीच 20 जून तक राजस्थान की सीमाएं छूने के पूर्वानुमान से मानसून पीछे चल रहा है। हालांकि 25 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री का पूर्वानुमान था, लेकिन सोमवार 17 जून तक मानसून ने गुजरात में प्रवेश किया था। मौसम विभाग की ओर से जारी मानसून की ताज़ा स्थिति पर नजर डाले तो अब गुजरात से राजस्थान के बीच की दूरी तय करने में मानसून को ज्यादा समय नहीं लगने वाला। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर अलग अलग कारणों से 5 जनों की मौत हो गई। रोडवाली के फास्ट ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई तो नवा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर भी एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सादुल ट्रांस नहर में कूद कर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। सदर थाना में आत्मदाह दुष्प्रेरणा का मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ टाउन में भी कीटनाशक के सेवन से 1 जने की मौत दर्ज हुई है।
वहीं कस्बे में हार्ट अटैक से हुई है एक कुत्ते के मरने की सूचना। खबर दिनभर में बस इतना ही, कल फिर तमाम खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।